बच्चे के बच्चों ने देखी वो मतलब वो बड़ों ने भी देखी बच्चे नहीं था सिर्फ बच्चे हैं बड़े भी हैं और आपने मैंने देखा उनसे इंटरेक्ट भी किया तो बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस मेरा तो पहला था एक्चुअली मतलब वो थोड़ा सा बहुत ही मूविंग एक्सपीरियंस था कि जिस तरीके से इन लोगों ने रिस्पांस दिया है पिक्चर को जो लोग देख सकते हैं वो तक नहीं समझ पाते इस तरह की पिक्चर और इतना ज़बरदस्त रिस्पांस वहाँ से नहीं आता जितना इन लोगों जिनको हम सो कॉल्ड विजुअली चैलेंज्ड बोलते हैं उन लोगों ने जिस तरीके से रिएक्शन दिया है इस पिक्चर का वो भी पहली स्क्रीनिंग है हमने मीडिया को या फिर इंडस्ट्री फ्रेंड्स को अभी तक ये पिक्चर नहीं दिखाई है एक हफ्ता भी है रिलीज़ को पहली स्क्रीनिंग हुई यहाँ पे और स्पेशली इन लोगों के लिए एंड आई थिंक ये वाला रिस्पांस के बाद तो मैं कहती हूँ दिखा दो जिसको दिखानी है पिक्चर आई थिंक वी हैव अ विनर एट हैंड आई एम वेरी हैप्पी टू से हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कोई रिस्पांस मिलेगा आई स्वेयर उल्टा थोड़ा डर लग रहा था हाँ, okay. पता नहीं इट्स एन एक्सपेरिमेंट फॉर अस आल्सो कि हाँ मतलब इस तरह के थ्रिलर हम दिखा रहे हैं वेरी ओवरवेलमिंग एंड बहुत सारा प्यार इतना मतलब वार्म्थ ये बहुत बहुत सालों तक याद रहेगा ग्रैटिट्यूड और प्लीज हमारा डिंडोरा भी पीटेंगे ये लोग सब अरे पिक्चर में बहुत मजा आया आप लोग देखो बहुत अच्छा तापसी जी आपकी जब भी कोई नई फिल्म आती है तो लोग काफी एक्साइटेड रहते लोग कहते हैं कि तापसी आ रही है कुछ अलग देखने को मिलेगा कुछ नया कंटेंट आएगा तो आपकी ब्लर आई है तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा आपका किस तरह का कैरेक्टर्स है नया का तो मतलब मैं ये लिस्ट बना के आपको दे नहीं सकती कि क्या क्या नया है मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि जैसे मेरी कोशिश रहती है आपका समय और पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती और इस बात की श्योरिटी दे सकती हूँ कि एक बार मौका दीजिए मेरी फिल्म को आपका समय वेस्ट नहीं करूँगी पैसे तो खैर फिर भी कमाए जा सकते हैं एक बार समय चला गया वो वापस नहीं आता तो समय आपका मैं बर्बाद नहीं करूँगी अपने आपके जो 2 घंटे 6 मिनट 8 मिनट कितने 12 मिनट 2 घंटे 12 मिनट की जो पिक्चर है वो सब इनके क्रेडिट वेडिट मिला के पिक्चर जो है वो 2 घंटे 6-8 मिनट की होगी वो आपका समय वेस्ट नहीं होगा देखेंगे तापसी जी मेरा दूसरा सवाल है कि जब आपको इसका ऑफर आया तो आप जब स्क्रिप्ट पढ़े तो आपका क्या रिएक्शन था मैंने तो विशाल ने बोला कि ये पिक्चर है मैंने बोला हाँ चलो करते हैं मैंने उसी मीटिंग के अंदर जिस मीटिंग में मुझे ऑफर हुआ था ये ऑफर हुई थी स्क्रिप्ट मैंने उसी मीटिंग में उसी टाइम हाँ बोल के मैं ऑफिस से निकली थी मेरा यूजली इंस्टेंट हाँ होता है या इंस्टेंट ना होता है तो ये थ्रिलर स्पेशली मेरा एक ऐसा जॉनर है जिसमें ज़्यादातर जो भी मैंने थ्रिलर्स करी हैं वो थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस लोगों को पसंद आती हैं तो ये सबसे ज़्यादा स्केरी थ्रिलर है जो आज तक मैंने करी है तो आई एम होपिंग कि भी जनता को पसंद आएगी गुलशन जी मुझे भी डर लगा बहुत डर लगता है आपको मुझे पता नहीं तो मैं सारे पन्ने उड़ा देता ना मुझे सिर्फ अपने रोल के बारे में पता था मैं देख रहा था तो ऐसे साउंड बहुत डरा है आपसे जी डबल किरदार में अंदाजा दिखाई देंगे आप लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर आप बता सकते बिल्कुल सलाह ले ली इसने अपना खुद का प्रिपरेशन किया उसने अच्छा कुछ भी नहीं पूछा मैंने वो ऐसे फालतू में दिया फ्री एडवाइस दिया नहीं इसने लेकिन मैंने फ्री जोक्स बहुत लिए इसके सेट पे जिससे ऐसे इस तरह की पिक्चर के पीछे आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए होता है रिलैक्स होने के लिए तो उसका जिम्मा जो था वो इन्होंने उठाया था भाई वो अपने सवाल पूछ ले सर नहीं 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 किस अंदाज में आप दिखाई देंगे गोल्ड वाले अंदाज में अरे सीरियस एक्टर इनकी ऐसी रियल पर्सनालिटी में मत जाओ बहुत सीरियस एक्टर है इनका बहुत सीरियस इंटेंस रोल है पिक्चर के अंदर इनकी ऐसी पर्सनालिटी में मत जाओ फिल्म में हर बार कुछ डिफरेंट होता है इस बार मैं हूं डिफरेंट ये लिस्ट के सबसे नंबर वन पे ये डिफरेंट चीज है मैंने पति का रोल किया है वो पति बट आपको कैसा पति है आपको अभी इससे ज्यादा डिटेल मत दे यार नहीं देख बट आपको मानना पड़ेगा इस फिल्म के लिए तापसी जो मेहनत की है वो कमाल की है जब हमने स्क्रिप्ट लिखी थी हमने सोचा कि हम तापसी वहाँ जाएंगे होगी नहीं होगी पता नहीं होता बट द मोमेंट आई वेंट आई सेड यस एंड देन शी वाज इनटू इट
और जिन्होंने मेहनत की है आँखों में पट्टी बांध के, जिन्होंने प्रैक्टिस की, मुझे आज भी याद है शूटिंग के टाइम पे वो पट्टी खोलती नहीं थी, हम जाते तो बोलती कौन आ गया, आवाज़ तो बताती कौन है तो पूरा पूरा दिन पट्टी बांध के रहना। फोटोज भी लिए लेकिन ओ गॉड वो बहुत ही स्कैम वाली पिक्चर है, मतलब मेरा काम फिल्म के प्रोड्यूसर भी है ना, मैं फोटो डाल दूंगा तो मेरे पैसे वो ऐसी पिक्चर है, मेरे को शायद इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो जाए कि ये ऐसी दिखती है, बहुत ही अजीब और गरीब एंगल्स से इसने फोटोग्राफ किया है अंधे, मतलब ज्यादातर तो ये सुंदर ही दिखती है बड़ी सुंदर, लेकिन मेरी तस्वीरों में नहीं लग रही है, ये फोटोग्राफर खराब है, ये कैमरा खराब है, आईफोन ओके। दापसी जी बॉलीवुड रीमेक पे निर्भर क्यों होता जा रहा है जी, अच्छी स्क्रिप्ट पे निर्भर होना चाहिए, लिखी जाए कहीं पे भी गई हो तो फिर भी नए राइटरों की कमी है या कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, रीमेक क्यों लोग ज्यादा बना रहे हैं, स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो कहीं से भी उठाई जाएगी, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए ना, मैं अच्छा कंटेंट ऑडियंस को देना चाहती हूँ, स्क्रिप्ट चाहे यहाँ लिखी हो, किसी और प्रदेश में लिखी हो, किसी और देश में लिखी हो, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। चलिए जाते आते आज दोनों के पास डायमंड है इनका तो रियल लग रहा है, मेरा तो ज्यादा ही रियल, ज्यादा रियल है इसका, ज्यादा किसके पास है ये, मैं हमने तोला नहीं अभी तक मेरे पास ही, चलो इसके पास ही है, सबका साथ में ले रही हूँ, दो मिनट आप एक मिनट साइड, देखो सबकी बहुत सारी फोटो हो रही है, थैंक यू मैम, ओके ओके ओके, सॉरी फोटो वाला कैमरा फर्स्ट पेज पे रहेगा, एप्स के साइड मैं ऊपर सर्च करना है, एक सेकेंड यार मैं इधर दे रही हूँ, पहले किसको देखूँ, कैमरा नो नो नहीं, शी इज फाइंडिंग इट, आई एम फाइंडिंग इट, वन सेकेंड यू विल गेट इट इन द एप, आई एम ऑलरेडी, यस थैंक यू, थैंक यू।